जय माता दी आप सभी भक्तों को। दोस्तों, हाल ही में अभी जो हादसा हुआ है भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का, जिसमें 2 लोगों की मौत और एक जख्मी रूप से घायल है, उन सभी के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड की हिमकोटी मार्ग जो है वो बंद है अभी भी या फिर चालू कर दिया गया है, और अगर चालू नहीं हुआ है तो कब तक चालू होगा, कब तक बंद रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट जय माता दी। जय माता दी आप सभी भक्तों को। दोस्तों, अगर आप सितंबर या अक्टूबर के मंथ में माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हाल ही में हुए हादसे में काफ़ी श्रद्धालु जो है घबराए हुए हैं। तो कटरा जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले हिमकोटी ट्रैक पर भूस्खलन होने से तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। रिपोर्ट्स की माने तो भूस्खलन 2 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ, और जो कि मुख्य भवन यानी कि मंदिर कॉम्प्लेक्स के लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अचानक से लैंडस्लाइड से लोहे के जो स्ट्रक्चर का एक हिस्सा था वो काफ़ी क्षतिग्रस्त यानी कि टूट गया, और जिससे स्थिति गंभीर हो गई। ये हालांकि इसमें 3 लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक जख्मी रूप से घायल है। अब ट्रैक पर तीर्थ यात्रियों का आना जाना रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जो लैंडस्लाइड्स का प्रभाव इतना गंभीर था कि लोगों की जान चली गई, मतलब ऑन द स्पॉट वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। वह अभी भी मलबे के नीचे और अधिक तीर्थयात्रियों के फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही है। अभी श्राइन बोर्ड की माने तो अभी हम कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी तरफ से अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अगर आप भी माता वैष्णो देवी मंदिर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर है, तो जान लीजिए जो पत्थर गिरे हैं उस टाइम पर काफ़ी भारी बारिश हो रही थी, उस टाइम पर ये लैंडस्लाइड हुआ जो कि टिन शेड पर गिरा, और टिन शेड से एक लोहे का स्ट्रक्चर पे भी काफ़ी टेढ़ा हो गया है। और उसी टाइम पर ही जो साइन बोर्ड की जो टीम है वो उसी टाइम से ही लग गई है, आना जाना रोक दिया गया है। ये वही मार्ग है जो कि लोगों को बहुत ही पसंदीदा मार्ग है, हिमकोटी मार्ग। हिमकोटी ट्रैक एक नया ट्रैक है तीर्थ यात्रियों के लिए, यात्रा का आसान बनाने और भीड़ कम करने के लिए बनाया गया था। शुरुआत से ही यह ट्रैक भक्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा है। हालांकि इस रास्ते का निर्माण काफ़ी मजबूती के साथ किया गया था, लेकिन पिछले 2 दिन वैष्णो देवी में भारी बारिश हुई है, जिसके वजह से ट्रैक पर पहाड़ के पत्थर गिरने से लैंडस्लाइड की घटना हुई है। लैंडस्लाइड होने के बाद पूर्ण रूप से हिमकोटी मार्ग पूरा रोक दिया गया है और आना जाना दोनों ही बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जल्द ही ये जो रास्ता है खोल दिया जाएगा तीर्थ यात्रियों के लिए। लेकिन अभी जो है यात्रियों को काफ़ी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए जो पुराना रास्ता है सांझी छत वाला, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अपनी यात्रा वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट रख रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं को एक बात कहना चाहूँगी कि जो ये नया ट्रैक बना है हिमकोटी ट्रैक, यहाँ पर जगह जगह पर श्राइन बोर्ड ने बोर्ड लगा रखे होते हैं, मेंशन किया होता है कि यहाँ पत्थर गिरने की आशंका है, तो कृपया करके श्रद्धालु वहाँ पर बिल्कुल ना बैठे और अपना आगे यात्रा कंटिन्यू रखे वहाँ पर बैठे जहाँ पर पत्थर गिरने की आशंका ना हो। कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो ऐसा कृपया ना कीजिए, ऐसे में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आप ऐसी जगह बैठिए जो जगह सेफ हो और जहाँ पर काफ़ी श्राइन बोर्ड ने चेयर्स वगैरह लगा रखी हो, आप वहाँ पर आराम से बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। यात्रा कंटिन्यू चल रही है, लेकिन क्या है हिमकोटी वाला मार्ग जो है बंद कर दिया गया है, तो आप जब यात्रा करें तो अर्धकुंवारी के बाद से सांझी छत वाला रास्ता ले लीजिए, और सांझी छत वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो पुराना रास्ता है। नया रास्ता थोड़ा सा पथरावी रास्ता है, तो वहाँ पर पथराव होने की आशंका रहती है। बैटरी कार वगैरह सब कुछ वहाँ से बंद कर दिया गया है अभी फिलहाल में, और यात्री भी काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है दुर्घटना में 2 महिलाएं शामिल थी। भूस्खलन के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया और एक महिला और सहित 3 घायल तीर्थयात्रियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक तीर्थयात्री की हालत जो है काफ़ी सीरियस कंडीशन बताई जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रैक पर पत्थर गिरने पर भूस्खलन हुआ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई। रविवार को मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 12 सितंबर तक साफ मौसम की जानकारी दी है, भविष्यवाणी की है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी उनके परिवार वालों को सहन शक्ति दीजिएगा, और आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जय माता दी, कैसे लगी आपको अभी की ये अपडेट कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को
फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सफर में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी आप सभी भक्तों को, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यात्रा कंटिन्यू जारी है।